प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। जहां एक तरफ पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर धनौल्टी में बर्फबारी से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मौसम के बदलते मिजाज को पर्यटक तो खूब आनंद इसका ले रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। धनौल्टी में आज 13वीं बार जो है बर्फबारी हो रही है। पर्यटक इसमें बर्फबारी में काफी आनंद ले रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। बहुत लोगों को पशुओं के लिए घास चारा इत्यादि लाने में बहुत दिक्कत हो गई। इस बार लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये फिर भी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक ये बर्फबारी है, और जिससे कि जो है इस बार फसल काफ़ी अच्छी होगी। फसल अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका इफेक्ट्स पड़ रहा है, और साथ साथ में ये टिहरी में जो झील है, लेक बनी है 42 किलोमीटर लंबी जो लेक है, उसका भी जो है इसका इम्पैक्ट यहाँ पर वेदर पर पड़ रहा है। और ये जो पारिस्थितिक संतुलन असंतुलित हो गया, उसकी वजह से हो रहा है। और इसके बहुत सारे रीजन्स हैं, एक ही कारण नहीं, इसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें हम लोग मानव जनित भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने पेड़ों का अंधाधुंध कटान किया, उससे कहीं का असर कहीं हो रहा है, कहीं बर्फबारी हो रही तो कहीं जो अतिवृष्टि हो रही, कहीं ओलावृष्टि हो रही, कहीं सूखा हो रहा है। तो ये चौतरफा